आइए आज हम बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जिसको आप बनाते ही तुरंत ट्राई करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। ये बेसन की चटनी है, ये किसी चीज़ के साथ भी सर्व की जा सकती है, रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप, पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, सांभर के इडली के साथ भी खा सकते हैं, बड़ा के साथ भी खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसको। तो आइए बनाना शुरू करते हैं एक यूनिक सी रेसिपी, तो आइए बनाना शुरू करें। तो देखिए बेसन की चटनी बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। इस रेसिपी में ज़्यादा तेल या कोई भी मसाले की ज़रूरत नहीं है, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है ये रेसिपी। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये तेल गर्म करने के लिए रखा है। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों के दाने मस्टर्ड सीड और 1 चम्मच जीरा, और इन दोनों को चटक जाने देंगे। और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। और ये जब जीरा चटक जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच उड़द दाल, और ये भी चटक जाएगी तब 1 चम्मच डालेंगे चना दाल, और इन दालों को अच्छे से चटका लेंगे। और अब इसमें हमने डाला है रफली चॉप किया हुआ 1 बड़ा प्याज, प्याज को इसके साथ पका लेंगे। जब भी घर में कभी भी कोई सब्जी ना हो तो आप इस तरीके से ये झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप पूड़ी पराठा नान या किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इडली बड़ा के साथ भी सर्व कर सकते हैं ये चटनी। देखिए इस तरीके से प्याज को हम पका लेंगे, बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने तक नहीं पकाना है। देखिए प्याज का कच्चापन निकलने तक अकेले पकाना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 बारीक कट किया हुआ टमाटर। टमाटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके घर में टमाटर भी नहीं है तो आप उसको ये भी स्किप कर सकते हैं, आप बिना टमाटर के भी इस चटनी को बना सकते हैं। देखिए अब हमने इसमें टमाटर डाल दिया है, तो टमाटर गलने के लिए अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और टमाटर गलने तक इसको पका लेते हैं, इसको ढककर टमाटर गलने तक पका लेते हैं। देखिए चेक कर लेते हैं, देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें और बाकी को कोई भी मसाला नहीं यूज करेंगे, सिर्फ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर हमने डाला है इसमें, और इसको भून देंगे इसी के साथ। और अब हम इसमें लगभग 2 कप पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद तरीके से चला देंगे और इसको ढककर लगभग 5 मिनट तक पका लेते हैं हम। देखिए जब तक सब्जी हमारी खोल रही है तब तक हम लेंगे 2 चम्मच बेसन। ये हमारी बेसन की चटनी है तो 2 चम्मच मतलब इतना हमने बेसन लिया है। और इसको अब पानी डालकर घोल लेते हैं, इसको अच्छे से घोल लेंगे हम। देखिए बेसन को हमने घोल लिया है, अब ये ग्रेवी को चेक कर लेते हैं।
तो देखिए ये प्याज हमारी कितनी ट्रांसपेरेंट हो गई है, और इसको देखिए छू के देखते हैं एकदम गल चुकी है। देखिए इस तरीके से प्याज हमारी बिल्कुल गल चुकी है। और अब इसी स्टेज पर हम ये जो बेसन हमने घोल कर डाला है, घोल कर रखा है, इसको हम धीरे धीरे से इस तरीके से डालेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से बेसन डालकर इस तरीके से चला देंगे। दो मिनट तक इसी तरीके चलाते हुए इसको पका लें ताकि बेसन नीचे चिपकने लगता है, इसलिए इसको इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएं। देखिए बेसन को इस तरीके से दो मिनट उबाल लिया है, और अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का आलू उबला और ग्रेट किया हुआ लेंगे। और ये आलू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और आलू डालकर भी इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये उबला हुआ आलू है हमने ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है, और ज़्यादा आलू नहीं डालना है, सिर्फ एक आलू हमने इसमें डाला है। इस तरीके से ढककर अब इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। इसको अच्छे से कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेते हैं। तो देखिए ढककर हमने इसको लगभग 4 मिनट के लिए पका लिया है, तो आप देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये कितनी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी गाढ़ी हो गई है चटनी। अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया, और ये डालने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम बंद होने करने के बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक नींबू का रस। ये नींबू का रस डालना ज़रूरी है, इसी से इसमें टेस्ट आता है। आप इसमें टमाटर डालें या ना डालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लास्ट में नींबू का रस डालना ज़रूरी है, इसी से इसमें टेस्ट आएगा। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बेसन की चटनी। आप गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर रोटी या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सांभर बड़ा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बड़ा हो या इडली हो किसी चीज़ के भी साथ सर्व कर सकते हैं इस चटनी को।